अपना लैपटॉप लूँ अभी मैं खातरबाद में हूँ। सभी राजा उस माहौल में आए हुए हैं और हमसे जुड़े हुए हैं हमारे माननीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। आइए जानते हैं इनसे 2019 चुनाव की किस तरह से तैयारी है, जानते हैं सर। बहुत अच्छी तैयारी है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक जीतेंगे। हो गया सर, जीते हैं तो सर पटना को क्या तोहफा देंगे? पटना को ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूँ, यहाँ BPO बन चुका है, यहाँ इनोवेशन का सेंटर बना है, स्मार्ट सिटी बन चुका है और आगे बढ़ाएंगे। पटना के हर इलाके में काम करता है, कृषि का स्वास्थ्य कोई चीज एकदम शौक से करिए, थोड़ा देरी सही। हाँ सही बात, देखिए हो गया, आइए तो सबको पकड़िए, सब पकड़ो, सब पकड़ो, हो गया। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इसको हटवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश जी रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण सिन्हा जिंदाबाद, परिषद में लंबे समय तक मेरे साथ काम करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष, पटना साहिब क्षेत्र के संयोजक संगठन की ओर से आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, यहाँ के हमारे निवासी और पटना साहिब लोकसभा के प्रभारी बाबू रामजी सिंह जी, हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष सीताराम पांडे जी, अजय जी, रवि सिंह जी, बैद्यनाथ रमन जी, पिंकी यादव जी, उर्मिला सिंह जी, सुधीर शर्मा जी, सभी मंडल अध्यक्ष चुनमुन जी, राजेश जी, संतोष कुमार पप्पू जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय गुरु प्रसाद सिंह जी, मेरे JP मूवमेंट के साथी कुमार अनुपम जी, संजीव मिश्रा जी और मंच संचालक राजीव रंजन जी। मित्रों, सबसे पहले तो आप सबों को नमस्कार करता हूँ, बहुत विनम्रता से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी अरुण जी ने मुझे बताया नहीं था, लेकिन कहा कि सभी कार्यकर्ता को आपको माला पहनाना है। मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई हुआ था, और पैदल मैं स्कूल राजेंद्र नगर हाई स्कूल जाया करता था, वहां से मैट्रिक पढ़ा, फिर पटना कॉलेज से, फिर पटना विश्वविद्यालय से MA किया, और अरुण जी और हम लोग लॉ कॉलेज में साथ साथ थे, और हम लोग विद्यार्थी परिषद JP मूवमेंट के कार्यकर्ता भी थे। तो मैंने अपने को पटना से कभी अलग नहीं किया, पटना मेरे दिल में था, पटना मेरे दिल में है और पटना मेरे दिल में रहेगा, ये मैं बताना चाहता हूं। भले ही मैं जिला स्तर पर काम करूं, मैं प्रदेश स्तर पर काम करूं या राष्ट्रीय स्तर पर काम करूं, ये मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं। इसलिए आज आपसे एक वादा करता हूं, देश में एक जबरदस्त हवा चल रही है और इस बार नरेंद्र मोदी को देश के लोग दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और पटना साहब के भी एक एक मतदाता उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन जब मेरी जीत होगी तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये मेरी जीत है, मैं ये कहूंगा ये कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी की जीत है, संगठन की जीत है। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना,